नमस्कार। गुजरात की 182 सीटों पर नया सर्वे, क्योंकि गुजरात के अंदरूनी सर्वे एजेंसी ने बड़ा उलटफेर यहां पर दिखाई दे रहा है। जो यहां पर सर्वे में जानकारी निकल रही है, आखिर आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री से बीजेपी को कितना झटका लग सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से पंजाब होती है गुजरात की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दिया है। ये माना जा रहा है कि 182 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, और इस समय देश के अंदर गुजरात हो या फिर अन्य का जो माहौल है, यानी बात की जाए तो मोदी विशेष अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है विपक्ष में टकराव देखने को मिल रहा है। यानी कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का नाम इस समय सुर्खियों में नजर आ रहा है। तो गुजरात में क्या वो कुछ करने वाले हैं, गुजरात को लेकर 182 सीटों पर क्या आंकड़ा निकल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं वो करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना कैंपेन कर रही है। अगर बात की जाए तो दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की भी जारी कर दी है, यानी बात की जाए तो काफी सक्रिय नजर आ रही गुजरात को लेकर आम आदमी पार्टी, विशेष यहाँ पर बीजेपी। कितना यहाँ पर टकराव देखने को मिल सकता है, क्या कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर आएगी या दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हो सकती है, इस पर क्या आंकड़ा बन सकता है। क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल, विशेष प्रधानमंत्री मोदी जी का यहां पर नाम सामने आ रहा है। 2024 की तैयारी है, लेकिन 2022 गुजरात चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां पर बात की जाए तो हर एक पार्टी पूरी रणनीति से काम कर रही है, और बीजेपी हो या फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं बीजेपी से, तो वो सभी यहाँ पर गुजरात चुनाव में लग चुके हैं। तो ऐसे में जो अंदरूनी सर्वे निकल रहा है वो खलबली मचा सकता है। आखिर बीजेपी कितने अंकों तक पहुंच सकती है, यहाँ पर कांग्रेस को लेकर क्या रणनीति हो सकती है, इस पर अगर बात की जाए जनता का मन क्या कहता है, क्योंकि 2017 चुनाव में तो कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। 77 सीटें कांग्रेस ने जबकि बीजेपी 99 सीटें, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, तो उनका क्या आंकड़ा बन सकता है। गुजरात की 182 सीटों पर सबसे लेटेस्ट आंकड़े क्या निकल रहे हैं, अगर बात की जाए कच्छ से यहाँ पर तो बीजेपी को 5 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बनासकांठा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीट है बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में, 5 सीट, 1 सीट यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पक्ष में जा सकती है। अगर बात की जाए पाटन से तो यहाँ पर 2 सीट बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस, आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। मेहसाणा की अगर बात की जाए कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं। अगर बात की जाए साबरकांठा के लिए तो बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं। अरावली की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। गांधीनगर की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, जबकि अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो 12 सीटें यहां पर बीजेपी को जा सकती हैं कांग्रेस के पक्ष में, 5-6 सीटें जा सकती हैं, 2-3 सीट यहां पर अरविंद केजरीवाल की पक्ष में जा सकती हैं, जो 20 सीटें यहां पर अहमदाबाद की हैं। मोरबी की अगर बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी को, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। राजकोट की अगर बात की जाए बीजेपी 5 सीट जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर अन्य या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर जामनगर की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस में 2-2 सीटें बढ़ सकती है, 1 सीट यहाँ पर अन्य या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। देवभूमि द्वारिका की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में 1-1 सीट बढ़ती नजर आ रही है। जो सबसे लेटेस्ट सर्वे निकल रहा है इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर पोरबंदर से 1 सीट बीजेपी तो 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, कांग्रेस ने यहाँ पर खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। जूनागढ़ की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, 1 सीट यहाँ पर बीजेपी हो तो 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। गिर सोमनाथ की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2-3 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। अमरेली की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें जा सकती है, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है जो आंकड़ा निकल रहा है। भावनगर की बात की जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट जबकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। भोटाट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 1 सीट, 1 सीट पर बीजेपी खाता खुल सकती है। आनंद की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में, 4-5 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। खेड़ा की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर पंचमहल की बात की जाए तो कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। दाऊद की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 3 सीट, 3 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर खाता खोलती नजर आ रही है। इसके अलावा गुजरात के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है वडोदरा, तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें जबकि बीजेपी को यहाँ पर
सात सीटों पर जीत मिल सकती है। हो सकता है कि बीजेपी की एक सीट कम हो तो वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है, जो आंकड़ा हो सकता है। छोटा उदयपुर की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर एक सीट, कांग्रेस के पक्ष में दो सीटों पर जीत मिल सकती है। के अलावा सूरत की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 11 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, दो सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। नवसारी की अगर बात की जाए तो एक सीट कांग्रेस को, 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। बलसाड की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को एक सीट, जबकि बीजेपी को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो इस तरह से गुजरात की सभी 182 सीटों के बाद फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े हो सकते हैं। बीजेपी 94 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस 74 सीटों पर जीत सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी अन्य मिलाकर अगर बात की जाए 14 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात में काफी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने दो लिस्ट जो है उम्मीदवारों की वो जारी कर दी। इसके अलावा बात की जाए तो बीजेपी काफी सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस का क्या रवैया हो सकता है, क्या हो सकता है गुजरात की 182 सीटों में से? फिलहाल बीजेपी सरकार के आंकड़े तक जा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनावी प्रचार करती है, क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं वो करते नजर आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? पंजाब के बाद क्या गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।